नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ओप्पो F19 Pro मोबाइल में आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए इसके लिए आपको क्या करना है, चले जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और जो भी आपका पैटर्न लॉक वगैरह आपने सेट कर रखा है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और आपकी स्क्रीन पे इस टाइप का फिंगर आएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे करके दबा के इसको होल्ड करके थोड़ा सा छोड़ेंगे और आपको चारों तरफ से अपनी फिंगर ऐड करनी है। कोई सी भी फिंगर आप ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप ये वाली फिंगर ऐड करो। तो इस टाइप से आप यहाँ पे चारों तरफ से घुमा घुमा के इसको ऐड कर देंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। अब ऐड अ फिंगर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा फिंगर ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन मुझे दूसरा नहीं करना है तो इसके लिए मैं कट कर दूंगी। और यहाँ पे आपको यूज़ फिंगरप्रिंट 4 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यूज़ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना फिंगरप्रिंट ऐप लॉक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्राइवेट सेफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों के लिए करना है तो आप इसे ऑन कर देंगे और इसको भी ऑन कर देंगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं छेड़ना है, इसे ऑन रहने देंगे, इसके बाद बैक कर देंगे। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, इस टाइप से आ जाता है ऑप्शन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन अनलॉक को जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट आइकन यहाँ पे स्क्रीन पे शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो ऑफ पे क्लिक कर देंगे, शो होना चाहिए तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक की सेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।